Good morning, everybody. Good morning. Let's start this session. A very good morning to all of you. I hope आप सभी लोग जो है वो बढ़िया होंगे, सबकी हेल्थ बढ़िया होगी. Very good. चलिए, सबका वेलकम है. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. तो उम्मीद है आज की सुबह और बेटर हो, आज का दिन और बेहतर हो. हम बहुत सारी चीज़ें सीखें, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें नई करें अपनी लाइफ में. जो हमारे प्लान्स हैं, जो हमारे गोल्स हैं, उसकी तरफ हम एक कदम और आगे बढ़ें. तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और इन्हीं सब चीज़ों की आशा करते हुए, वी विल मूव अहेड इन अवर जर्नी ऑफ लर्निंग. तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में. बढ़िया नहीं है सर? क्या नहीं है बढ़िया? शुभाशीष, चेक योर कनेक्शन बिकॉज हेयर इज द एक्सलेंट डेटा कनेक्शन, नो इश्यू. क्या हुआ, एनीथिंग रॉन्ग? चलिए बच्चों, फिर स्टार्ट करें. एनीथिंग यू वांट टू से? किसी को कुछ कहना है? चलिए ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स में. नेक्स्ट हमारा टॉपिक, दैट इज योर पंप. ठीक है, तो पंप का एक बेसिक बेसिक सारी चीजें मैं आज बता देता हूँ, ठीक है ना, स्पेशली सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए. ठीक है, उसके बाद एक सेशन और रहेगा और मशीन जो है वो पूरा हो जाएगा. तो मतलब कल मशीन जो है वो पूरा हो जाएगा. नाउ नाउ यहां पे हम बात कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप की. सेंट्रीफ्यूगल पंप की, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप की अगर बात करें तो यहां पे छोटी छोटी चीजें समझने वाली बहुत ज्यादा है और नोट डाउन करने वाली कम है. मतलब जो हम चीजें नोट करते हैं, कंसेप्ट, फॉर्मूले, इस तरह की चीजें बहुत कम है. लेकिन अगर आप कंसेप्टों को समझें तो कंसेप्ट जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं. ओके, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो एवरीथिंग विच आई विल से. ठीक है, तो जब हम सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करते हैं तो मैं एक बेसिक बेसिक में पूरा एक्सप्लेनेशन कर देता हूं, उसके बाद हम बाकी बात करेंगे. तो ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं. देखिए, इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप वी ऑल नो दैट कि पंप इज अ हाइड्रोलिक मशीन हुज फंक्शन इज टू कन्वर्ट एनी मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी. हाइड्रोलिक एनर्जी मींस द वाटर पावर. ठीक है, मैकेनिक एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी कन्वर्जन इज द मेन मोटिव हेयर. ठीक है, ये हमारा मेन मोटिव होगा यहां पे. ठीक है, सो व्हेन वी कन्वर्ट मैकेनिक एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी फॉर द पर्पज, पर्पज क्या है ऐसा कन्वर्ट करने का, पर्पज क्या है, व्हाट इज द पर्पज बिहाइंड इट, टू लिफ्ट द वॉटर, टू लिफ्ट द वॉटर फ्रॉम अब जो लोअर लेवल होता है, फ्रॉम द लेवल जहां से हमें लिफ्ट करना होता है. ठीक है ना, ठीक है ना, फ्रॉम द लेवल वेयर वी वॉन्ट टू लिफ्ट, दैट इज कॉल्ड सम्प लेवल. From sump level to some higher level. किसी sump level से किसी higher level पे lift करना कहलाता है. That is your pump. We required a pump for that.
एंड दैट पंप इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, समझ आ गई बात। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रीफ्यूगल पंप, और जब बात करें सेंट्रीफ्यूगल पंप की, तो दिस एक्शन इज डन बाय, इट इज अचीव्ड बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। तो हाउ वी अचीव दैट, वी विल अचीव दैट बाय द एक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, बाय द सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। सेंट्रीफ्यूगल एक्शन क्या है कि व्हेन वी रोटेट सम मास ऑफ अ फ्लूइड, जब हम किसी मास ऑफ फ्लूइड को रोटेट करेंगे तो जो फ्लूइड है वो आउटर डायमेंशन में जाके क्या करेगा, आउटर डायमेंशन में जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से फ्लूइड जो है वो आउटर डायमेंशन में खिसकेगा और सेंटर में जो है वहां पे लो प्रेशर जनरेट होगा। ठीक है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन हमारा सिंपल सिंपल यही है कि किसी भी सर्कुलर सिस्टम में हम लोग रोटेट करेंगे इसे, रोटेट करने से फ्लूइड जो है वो आउटर साइड में जाएगा, तो आउटर साइड में प्रेशर का राइज होगा, आउटर साइड में प्रेशर का राइज होगा और इनर साइड में लो प्रेशर क्रिएट होगा, इनर साइड में लो प्रेशर क्रिएट होगा। दैट इज व्हाट वी वांट टू अचीव। ठीक है, तो इसको अचीव करने के लिए, इसको अचीव करने के लिए वी टेक एन फ्रांसिस टर्बाइन एंड यूज इट इन रिवर्स डायरेक्शन। हम एक फ्रांसिस टर्बाइन लेंगे और उसको रिवर्स डायरेक्शन में यूज करेंगे। तो रिवर्स डायरेक्शन में यूज करने का मतलब होता है कि वर्किंग प्रिंसिपल शुड बी कंप्लीटली अपोजिट। तो वर्किंग प्रिंसिपल हमारा कंप्लीटली अपोजिट होगा। वहां पे क्या था, वहां पे वाटर आ रहा था केसिंग में, केसिंग से गाइड वेन्स में एंटर कर रहा था, गाइड वेन्स से आपका जो है वो रनर पे एंटर कर रहा था, रनर से आपका शाफ्ट घूम रहा था। फिर अब यहां उल्टा होगा, यहां आपका सेंटर से आएगा, वो क्या था, इनवर्ड फ्लो था, ये आउटवर्ड हो जाएगा। तो अब यहां पे सेम हम लोग बनाए, ठीक है ना, या तो कुछ लिखा नहीं है नोट करने लायक, ये तो सिर्फ समझाया मैंने बेसिक सी बात। तो यहां पे मैं सिंपली अगर लेके चलू, सो इफ देयर इज अ सम्प लेवल, दिस इज कॉल्ड सम्प लेवल, देयर इज अ सेंट्रीफ्यूगल पंप, दिस इज द सेंटर ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप, दिस इज द सेंटर ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड दिस सेंटर इज कनेक्टेड टू द सम्प लेवल। ठीक है, जनरली हम लोग साइड से भी बनाते हैं, ठीक है, यहां से बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके पार्ट्स को लेके एक दो क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब इसके पार्ट्स को लेके हमारा क्या होता है, याद रखिएगा सेंटर वाला पार्ट बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि सेंटर पार्ट क्या है, दैट इज कॉल्ड आई, सेंटर पार्ट ऑफ द पंप इज कॉल्ड आई। ठीक है ना, इसको हम लोग आई बोलते हैं। ये हमारा सक्शन पाइप होता है, दिस इज अवर सक्शन पाइप,
ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है कि सक्शन पाइप क्या कर रहा है, नीचे से पानी को लिफ्ट कर रहा है। दिस इज अवर डिलीवरी पाइप, ये अपना डिलीवरी पाइप होगा, दिस इज अवर डिलीवरी पाइप। ठीक है, ये अपना केसिंग होगा, तो केसिंग अपना वही है जैसा फ्रांसिस टर्बाइन में हमारा केसिंग था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। यहां पे भी सेम केसिंग वही है, क्लियर है। अब उसके बाद याद रखिए जो सेट ऑफ ब्लेड्स होते हैं, सेट ऑफ ब्लेड्स होते हैं, तो वहां पे हमने ब्लेड्स कैसे लिए थे, वहां पे हमने ब्लेड्स वाले सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, रनर बोलते थे। यहां पे हम उसे इंपेलर बोलते हैं, यहां पे हम उसे इंपेलर बोलते हैं। तो अगर मेरा वाटर जो है वो यहां से बाहर आ रहा है तो हम उसे इंपेलर बोल देते हैं, लाइक दिस। कुछ इस तरह से मान लीजिए, तो मैं उसे इंपेलर बोल देता हूं। तो मान लीजिए दैट इज कॉल्ड इंपेलर, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक सी बात है। अब इसके बाद याद रखिए एक होती है हमारे पास वॉल्व यहां लगी हुई, ठीक है। ये जो नीचे फिल्टर जैसा है इसको हम स्ट्रेनर बोलते हैं, ठीक है ना, जो फिल्टर ही का काम है समझो एक तरह से, कि डस्ट वगैरह ना आ जाए, स्ट्रेनर। और यहां पे डिलीवरी पाइप पे एक वॉल्व लगी होती है जिसको बोलते हैं हम फुट वॉल्व। तो इस पे भी क्वेश्चन आता है, फुट वॉल्व जो है वो किस तरह की वॉल्व है, तो याद रखिए इट इज अ वन वे वॉल्व, वन वे वॉल्व, ठीक है, वन वे वॉल्व। फुट वॉल्व एक तरह की वन वे वॉल्व होती है, वन वे वॉल्व मतलब जिसमें आ सकता है ऑन एंट्री हो जाती है लेकिन एग्जिट नहीं है, ठीक है ना। सेम वही है कि अगर यहां से बोले एग्जिट है डिलीवरी साइट से, तो फिर वहां से वापस एंट्री नहीं है। तो मतलब यहां पे भी एक आपकी वन वे वॉल्व आ जाती है, डिलीवरी साइड में भी देर इज अ वन वे वॉल्व, अदर वन वे वॉल्व इज अ वॉल्व एट डिलीवरी साइड, ठीक है। तो डिलीवरी साइड में भी एक वन वे वॉल्व आ जाती है, वहां से वो वापस नहीं आ सकता। तो ये एक बेसिक बेसिक से इक्विपमेंट्स हैं जिसकी हमें नीड होती है, ठीक है ना। तो इतना बेसिक इक्विपमेंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो वर्किंग बड़ी सिंपल है, वर्किंग बड़ी सिंपल रहती है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही बाकी सब चीजें हैं, ठीक है। ठीक है, वन वे वॉल्व बोलो या नॉन रिटर्न बोलो, बात एक ही है। देखिए नाउ, अब वर्किंग समझने के लिए आपको समझना होगा सेंटर ऑफ द पंप जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सेंटर ऑफ द पंप से नीचे जितना भी सम्प लेवल है अपना, इसको हम लोग बोलते हैं सक्शन हेड, सक्शन हेड। क्योंकि ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम यही सब टर्म्स यूज करेंगे, दिस इज कॉल्ड सक्शन हेड, ठीक है। और जितना भी ऊपर है यहां से डिलीवरी साइड तक, सेंटर ऑफ द डिलीवरी पाइप तक, दिस इज कॉल्ड डिलीवरी हेड, डिलीवरी हेड। तो अगर हमसे कहीं पर भी पूछता है कि सक्शन हेड और डिलीवरी हेड का टोटल हेड कितना है, तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक हेड। एक पानी को इतना स्टैटिक हेड कवर करना होता है सबसे पहले, जो कि सक्शन और डिलीवरी तक है, तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक हेड, एच एस इज इक्वल्स टू एच एस प्लस एच डी, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक हेड। नाउ अब एक सिंपल सी चीज समझिएगा, जैसे याद होगा आपको कि इन टर्बाइन्स वी टेक आ कॉल्ड ग्रॉस हेड, वी टेक ग्रॉस हेड, ठीक है, समथिंग वी टेक कॉल्ड ग्रॉस हेड। एंड इन ग्रॉस हेड इन टर्बाइन्स, इन ग्रॉस हेड इन टर्बाइन्स, इफ वी टेक लॉस ऑल्सो, अगर हम टर्बाइन्स में ग्रॉस हेड में लॉसेस को भी कंसिडर करते हैं, तो उस ग्रॉस हेड में से लॉसेस को माइनस करके वी विल टेक नेट हेड, ठीक है ना। एंड अवर ऑल कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन नेट हेड, हमारी सारी कैलकुलेशन किस पे बेस्ड होती है, नेट हेड पे। तो अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ पंप हम अपना जो भी कैलकुलेशन लेंगे वो टोटल हेड हम क्या लेंगे। तो याद रखिएगा उस टोटल हेड में हमारा स्टैटिक हेड प्लस जितना भी लॉसेस हो रहा है सक्शन पाइप में, डिलीवरी पाइप में, वो ठीक है ना, मेजर लॉस की बात करें तो फ्रिक्शन लॉस, तो जितना भी लॉस हो रहा है वो,
ठीक है ना, और साथ में कितना और हेड चाहिए हमें पानी को डिलीवर्ड करने के लिए, तो दैट हेड इज कॉल्ड मैनोमेट्रिक हेड। तो यहां पे जो वहां पे नेट हेड बोला करते थे, यहां पे उस चीज को हम मैनोमेट्रिक हेड बोलते हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है व्हाट इज कॉल्ड मैनोमेट्रिक हेड। तो मैनोमेट्रिक हेड हम लोग बोलते हैं, दैट इज एच मैनो लिख सकते हैं आप, एच मैनो। तो ये एच सफिक्स मैनो जो हमने लिखा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट कंसिडर द कंप्लीट हेड। ये वो हेड होगा जो एक पानी को हमें देना होगा उसको प्रॉपर डिलीवरी कराने तक, ठीक है ना। टू मेक द डिलीवरी ऑफ वाटर वी हैव टू कवर दिस हेड, ठीक है। और तो ये हेड में क्या क्या आएगा, तो याद रखिए मैनोमेट्रिक हेड विल कवर सक्शन हेड, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टैटिक हेड, सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड प्लस सक्शन का फ्रिक्शनल हेड, मतलब जो भी फ्रिक्शन लॉस हो रहा है सक्शन में, वो तो मैं थोड़ा सा और नीचे लिख देता हूं और बड़ा बड़ा। तो याद रखिएगा मैनोमेट्रिक हेड कवर सक्शन हेड प्लस फ्रिक्शन लॉसेस इन सक्शन हेड, डिलीवरी हेड प्लस फ्रिक्शन लॉसेस इन डिलीवरी हेड प्लस, अब देखिए जो भी सक्शन और डिलीवरी में कवर हुआ साथ साथ उसके फ्रिक्शन भी आ गए, ठीक है ना। फ्रिक्शन लॉसेस इन सक्शन साइड एंड फ्रिक्शन लॉसेस इन डिलीवरी साइड ऑल्सो। प्लस प्लस क्या होता है कि वाटर आपने इस लेवल तक कवर कर दिया, नाउ यू हैव टू गिव सम काइनेटिक एनर्जी टू डिलीवर्ड आउट। आपको डिलीवरी साइड में सम काइनेटिक हेड भी चाहिए होगा जिससे पानी बाहर आए। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि पानी आपने भर दिया यहां तक, ठीक है ना। तो यू नीड सम डिलीवरी साइड, डिलीवरी यार के वेलोसिटी एट डिलीवरी साइड, सम काइनेटिक हेड टू डिलीवर्ड आउट द वाटर। तो दिस इज कॉल्ड वीडी स्क्वायर, वीडी मतलब वेलोसिटी एट डिलीवरी साइड। तो डिलीवरी पाइप में जो वेलोसिटी है उस पे बेस्ड एक काइनेटिक हेड भी हमें चाहिए होता है। तो दिस कंप्लीट इज कॉल्ड मैनोमेट्रिक हेड, इस कंप्लीट को हम लोग मैनोमेट्रिक हेड बोलते हैं। समझ आया बात, क्लियर है, ओके। तो इसको नहीं भूलना है, ये मैनोमेट्रिक हेड को नहीं भूलना है, इसको याद रखना है ये क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद चाहे वो फ्रिक्शन लेने को बोले या ना बोले वो बात अलग है, लेकिन मैनोमेट्रिक हेड को कंप्लीटली आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये डायरेक्टली ऐसा भी पूछा जाता है, ठीक है। ठीक है, समझ आई बात, ठीक। तो यहां पे हम पूरा कैलकुलेशन मैनोमेट्रिक हेड पे बेस ही करते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। नाउ नाउ अब यहां पे आपको पता है जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलते हैं, वो मैं लिख रहा हूं कि वॉटर एंटर्स एट दी, वॉटर कहां से एंटर होता है, एट दी सेंटर ऑफ द पंप, सेंटर और आई ऑफ पंप, ठीक है। वाटर जो है वो सेंटर और आई ऑफ पंप में एंटर करता है। कैसे एंटर करता है, कैसे एंटर करता है, बिकॉज फर्स्ट वी हैव टू टेक सम वाटर इन साइड दी सेंट्रिफ्यूगल पंप। हमें सबसे पहले चलाने से पहले हमें सेंट्रिफ्यूगल पंप में वाटर फिल करना पड़ेगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्राइमिंग। तो यहां पे याद रखेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड प्राइमिंग, बिफोर स्टार्टिंग फर्स्ट फिल्ड दी होल केसिंग विद वाटर एंड रन द पंप विद, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद डिलीवरी वॉल्व विद डिलीवरी वॉल्व क्लोज्ड, ठीक है ना। अब यहां पे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट कि प्राइमिंग में क्या करते हैं, व्हाट इज कॉल्ड प्राइमिंग, प्राइमिंग में क्या करते हैं, पूरी केसिंग को पानी से पहले भर देते हैं बिना चलाए, पहले पूरी केसिंग को भर देते हैं और फिर उसके बाद चलाते हैं बाय क्लोजिंग डिलीवरी वॉल्व, डिलीवरी वॉल्व को क्लोज। क्यों, क्योंकि अगर ओपन रखेंगे तो वो उसी पानी को पहले बाहर फेंक देगा। हमें क्या करना है, ये पानी हमें बाहर कब फेंकना है, व्हेन
अब प्रेशर डिफरेंस विल क्रिएट और जो पानी फ्रॉम द सम्प लेवल है इट विल कम टू द आई। तो जब तक सम्प लेवल का पानी आई में नहीं आ जाता तब तक हम लोग क्या करते हैं, तब तक हम लोग इसे चला के रखते हैं। तो वो चला हम क्यों रहे हैं, टू क्रिएट अ प्रेशर डिफरेंस। आउटर केसिंग और सेंटर ऑफ द पंप में हमें एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना है सो दैट कि सेंटर ऑफ द पंप और सक्शन पाइप के एंड में वहां पे एक प्रेशर रहे, डिफरेंस रहे, जिससे फ्लो जो है वो ऊपर आ जाए, ठीक है ना। अगर हम पानी के साथ ना नहीं चलाएंगे तो देयर विल बी एयर, और एयर में जब हम रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा। अब यू ऑल नो दैट कि डेंसिटी ऑफ एयर इज 1/1000 टाइम्स ऑफ वाटर, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ एयर इज 1/1000 टाइम्स ऑफ वाटर। तो जब यहाँ पे हम प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो इट विल कंज्यूम मोर पावर, ठीक है ना। जब हम एयर के साथ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे इट विल कंज्यूम्ड मोर पावर, तो यहाँ पे ज्यादा पावर कंज्यूम होगी और मे बी इट विल गेट सर्किट फेलियर, ठीक है ना। ओवरलोड हो जाएगा, जितना पावर उसको जरूरत नहीं थी उतना ज्यादा यहाँ पे देना पड़ेगा उस प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ऑलरेडी वी फिल्ड वाटर इनसाइड। हम पंप को कभी भी बिना पानी के नहीं चलाते, इसलिए उसमें इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं, ठीक है ना, कि वेन एवर यू रन द पंप चेक देयर विल बी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कि वाटर अवेलेबिलिटी वहां पे होना चाहिए। तो क्या करते हैं, उसको पूरा प्राइमिंग पानी से भर देते हैं, लीली वॉल को क्लोज कर देते हैं एंड देन वी रन द पंप। If we run the pump, then this water will get churned out by the blades. Blades क्या करता है, उस water को churn करता है, घुमाता है in the casing. Casing हमारा क्या है, वैसा ही है। तो then on that case the water will goes outside and due to this blade motion the pressure difference will created. ठीक है ना, the pressure difference will created. The outside of the casing, it the outside of the impeller, it will get. ठीक है ना, water कहाँ से यहाँ आ रहा है ना, outside जो है वाटर जो है वो हाई प्रेशर हो जाएगा और अंदर इनसाइड जो है वो हमारा लो प्रेशर हो जाएगा। वेलोसिटी ट्रायंगल भी पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अंदर जो है वो लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और व्हेन देयर विल बी अ लो प्रेशर इन बिटवीन देन दिस लो प्रेशर द सक्शन एट द एंड ऑफ द सक्शन पाइप हैज लो प्रेशर एंड दिस एंड इज एट हाई प्रेशर कंपैरेटिवली, तो वाटर विल डेफिनेटली गो इनसाइड। तो वाटर विल राइज डेफिनेटली, तो वाटर व्हेन द वाटर विल राइज तो यहां से वाटर लिफ्ट होगा और लिफ्ट होकर ब्लेड भी आएगा, देन ब्लेड पुश द वाटर, ठीक है ना। यहाँ पे टर्बाइन से उल्टा है, इन टर्बाइन वाटर पुशेज द ब्लेड बट इन पंप ब्लेड पुशेज बिकॉज वी रन द ब्लेड बाय सम मैकेनिकल मीन्स। तो ब्लेड से पानी को पुश करेंगे, पानी ब्लेड ऐसा है और ब्लेड का याद रखिएगा बैकवर्ड वाला हिस्सा, बैकवर्ड ब्लेड। अभी बात करेंगे कंपैरिजन की भी, बैकवर्ड और क्या है हमारा पास फॉरवर्ड वगैरह में, लेकिन अभी यहां पे समझो बैकवर्ड ब्लेड जो है, बैकवर्ड ब्लेड ट्राई टू पुश द वाटर, बैकवर्ड ब्लेड ट्राई टू पुश द वाटर आउट। तो बैकवर्ड ब्लेड पुश द वाटर आउट, ठीक है ना। आप कभी आपने हाथ को ऐसे पानी की बाल्टी में घुमा के देखे, यू विल गेट द वाटर विल लिफ्ट अबव, वाटर जो है वो ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो ऐसे ही वाटर जो है इट विल गेट पुश्ड आउट और वो बाहर की तरफ जाएगा और वहां हाई प्रेशर क्रिएट होता जाएगा, और जब हाई प्रेशर क्रिएट होगा तो फिर इस जगह पे जब पानी हटेगा तो देन इट विल क्रिएट अ लो प्रेशर रीजन, तो वहां से पानी लिफ्ट होना शुरू होगा। जैसे ही हमारा पानी जो है ऊपर आ जाता है एंड देयर विल बी अ कंटिन्यूएशन इन द वाटर फ्लो, तब हम क्या करेंगे, डिलीवरी वाइप को ओपन कर देंगे और वाटर बाहर आने देंगे, तब ये कंटिन्यूटी बनी रहती है। पानी आता रहता है, घूमता रहता है, जाता रहता है, पानी आता रहता है, घूमता रहता है, जाता रहता है। तो टिल द कंटिन्यूएशन विल स्टार्ट वी क्लोज द डिलीवरी वॉल, आफ्टर कंटिन्यूएशन द डिलीवरी वॉल विल बी गेट ओपन एंड द वॉटर विल बी डिलीवर्ड। तो यही हमारा प्रिंसिपल होता है प्राइमिंग का भी। तो प्राइमिंग पे दो ही क्वेश्चन आते हैं, एक ये और एक एक पर्पज क्या है और एक दूसरा डिलीवरी वॉल्व के ऊपर। तो याद रखिएगा ये चीज, कंप्लीटली क्लोज रखते हैं, पार्शियली नहीं, कंप्लीटली क्लोज, क्लियर है, ठीक है। तो ये दो चीज आप लोग को क्लियर है। चलिए तो हटा दूं मैं यहां से, थोड़ा बोर्ड से हट जाता हूं मैं, so that you can write your points, ठीक है ना। अब इसके हम velocity triangle पे आते हैं, how its velocity triangle works, it is just opposite to the Francis turbine, ठीक है, okay।
चलिए चलिए ठीक है। अब सेंट्रिफ्यूगल पंप हमारा क्या है? आउटवर्ड आउटवर्ड रेडियल फ्लो, ठीक है ना। आउटवर्ड रेडियल फ्लो है हमारा सेंट्रिफ्यूगल पंप। तो जब हम आउटवर्ड रेडियल फ्लो की बात करते हैं तो वी हैव अ कुछ इस टाइप से, ठीक है, कुछ इस टाइप से। वी हैव अ ब्लेड कुछ इस टाइप से, दिस इज द ब्लेड लाइक, ठीक है ना। इफ इस तरह का कोई ब्लेड है, ठीक है ना। अब याद रखिए मैं ब्लेड ऐसा बना रहा हूं तो मतलब मैं मोशन, अभी मैंने केसिंग में ऐसा बनाया था ब्लेड, तो उसका मतलब था कि ब्लेड ऐसा बनाया था तो मतलब वो ऐसा घूम रहा था, ठीक है ना, ऐसा घूम रहा था। तो अभी मैं ऐसे बना रहा हूं तो ये मैं ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक है ना। इस तरह के मोशन से मैं पानी को लिफ्ट कराऊंगा, ऐसा कुछ इस तरह का मोशन मैं ले रहा हूं, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, आप उल्टा बना के भी कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा इसलिए बना रहा हूं सो दैट आप टरबाइन से कंपेयर कर पाए, ठीक है ना। इस तरह का बना रहा हूं, आप ऐसा भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह का बना रहा हूं सो दैट यू कैन कंपेयर विद इट विद टर्बाइन ऑल्सो, ठीक है। नाउ क्योंकि टर्बाइन में हम इसी तरह का बना रहे हैं ना, तो उससे कंपैरिजन के लिए आपसे बस ये समझ लीजिए वाटर जो है वो दिस साइड है, टर्बाइन ऐसे घूमेगा, वाटर दिस साइड है। तो याद रखिए टर्बाइन को याद करते हुए मैं चीजें बताऊं। इन केस ऑफ अ टर्बाइन, इन केस ऑफ अ टर्बाइन द फ्लो इज इनवर्ड, हियर द फ्लो इज आउटवर्ड। इन केस ऑफ अ फ्रांसिस टर्बाइन द रेडियल डिस्चार्ज इज एट आउटलेट, यू नो रेडियल डिस्चार्ज इज एट आउटलेट मीन्स बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हेयर द रेडियल डिस्चार्ज इज एट इनलेट, हेयर द रेडियल डिस्चार्ज इज एट इनलेट, ये आपको ध्यान रखना है। रेडियल डिस्चार्ज जो है हमारा वो इनलेट पे होगा, तो यहां पे आउटलेट पे था या इनलेट पे। तो इनलेट पे जब हम बनाए तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अल्फा जो है वो 90 डिग्री आपको लेके चलना है, मतलब दैट अल्फा इज 90 डिग्री लाइक दिस, दैट अल्फा इज 90 डिग्री, तो याद रखिएगा दैट अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये है हमारा V1 बोल सकते हैं, द एब्सोल्यूट वेलोसिटी गोइंग लाइक दिस, ठीक है। तो V1 किसके बराबर हुआ यहां पे? जब वर्टिकल V1 हुआ तो V1 VF1 के बराबर हुआ। टर्बाइन्स में क्या था? V2 इज इक्वल टू VF2 था, यहां पे V1 इज इक्वल टू VF1 है, ठीक है ना। एंड द अदर वेलोसिटी इज लाइक दिस, द एब्सोल्यूट वेलोसिटी इज लाइक दिस VR2। डायग्राम इससे भी बेटर बन सकता है, ठीक है ना। ये जो मैं जस्ट बता रहा हूँ सिर्फ टर्बाइन की वजह से थोड़ा वैसा वैसा बता रहा हूँ, नहीं तो आप और अच्छा बना सकते हैं डायग्राम को, ठीक है। दैट इज VR1 द रिलेटिव वेलोसिटी, एंड द एंगल ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इज थीटा, दैट इज द ब्लेड एंगल थीटा। तो द डिफरेंस बिटवीन V1 एंड VR1 रिलेटिव और एब्सोल्यूट वेलोसिटी में डिफरेंस किस चीज का था? जितना ये पॉइंट जो है वो मूव कर रहा था, मतलब दैट इज U1, दैट इज योर U1, U1 इज द वेलोसिटी ऑफ अ ब्लेड, ठीक है ना। तो ब्लेड वेलोसिटी और V, तो वही है सेम, VR1 इज इक्वल टू V1 माइनस U1, ठीक है ना। VR1 जो है वो V1 माइनस U1 ही है, क्लियर है। नाउ सेम आउटलेट साइड, इन आउटलेट साइड वहां कंप्लीट ट्राइंगल आएगा, बस कंप्लीट ट्राइंगल में ध्यान ही रखना है कि एक साइड आपने एब्सोल्यूट वेलोसिटी और एक साइड रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी हमने वैसे ही ली जैसे ले रहे थे, दैट इज वी हैव VR2, ठीक है। VR2 में एंगल यहां थीटा लिया था, वहां क्या लिए? वहां लेंगे फाइ, दैट एंगल इज फाइ। अब हमने यहां पे, वहां आउटलेट में रेडियल था तो हमने बीटा 90 डिग्री लिया था, ठीक है ना। तो यहां जो है वो बीटा कुछ इस तरह का होगा फॉरवर्ड मोशन में, दैट इज सम V2 एंड दैट इज कॉल्ड बीटा, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। तो एंगल चेंज हो जाता है, ठीक है ना, उसके वजह से साइन भी बदलेगा। अब V2 के दो कंपोनेंट हो गए अगेन, एक कंपोनेंट वर्टिकल और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल। पहले यहां पे भी V2 और VR2 में डिफरेंस क्या है? V2 और VR2 में डिफरेंस, जैसे V1 और रिलेटिव एब्सोल्यूट रिलेटिव में डिफरेंस था U1 का, ऐसे एब्सोल्यूट और रिलेटिव में डिफरेंस क्या है? U2 का, दिस इज U2। नाउ
वी टू के दो कंपोनेंट हो गए, एक वर्टिकल कंपोनेंट इसका दैट इज वी एफ टू और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज वी डब्ल्यू टू, ठीक है ना, इस तरह से। तो दिस इज द कंप्लीट वेलोसिटी ट्रायंगल। अब इसको थोड़ा और तरीके से बना सकते हो लेकिन ट्रायंगल ऐसे ही बनेगा। तो बस आपको क्या याद रखना है कि टर्बाइन और पंप में क्या अंतर है, मैं कंपैरिजन बता दूं, पंप और टर्बाइन में क्या अंतर आ गया सेंट्रीफ्यूगल पंप और फ्रांसिस टर्बाइन में, क्या अंतर आ गया, यह है हमारा आउटवर्ड रेडियल फ्लो, यह है हमारा इनवर्ड रेडियल फ्लो, ठीक है। इसमें जो ब्लेड है वो है हमारा बैकवर्ड ब्लेड, बैकवर्ड वेन, इसमें जो है हमारा फॉरवर्ड वेन। बैकवर्ड वेन और फॉरवर्ड वेन में क्या अंतर हो जाता है कि वाटर जो है वो बैक साइड में होगा, वाटर इज एट बैक साइड, ठीक है ना, और इसमें क्या होता है वाटर इज एट फ्रंट साइड, फ्रंट मतलब इसको बोलेंगे फ्रंट, ठीक है ना, जो आपका कॉनकेव साइड है उसको मैं फ्रंट बोल देता हूं। तो मीन्स वॉटर इज एट कॉनवेक्स साइड, ठीक है ना, वॉटर इज एट कॉनकेव साइड, ठीक है ना, इसको हम फ्रंट और बैक बोल देंगे, ठीक है। V2 का ही तो कंपोनेंट बनाया मैंने सर, VR2 का भी कंपोनेंट भी आएगा, VR2 का कंपोनेंट की जरूरत, VR2 का कंपोनेंट कहाँ बनाते हैं हम लोग, कभी भी नहीं बनाते, VR2 का कंपोनेंट कोई होता ही नहीं है, VR2 का तो कंपोनेंट आपको निकालना पड़ेगा कि VR2 cos phi, VR2 sin phi, वो तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है, निकालना चाहते हो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं है उसके कंपोनेंट को, कुछ बोलते नहीं है ना अलग से, जैसे इनके कंपोनेंट को तो हम बोलते हैं फ्लो वेलोसिटी, वर्ल्ड वेलोसिटी, ठीक है ना, VR2 के कंपोनेंट आप चाहो लिख सकते हो लेकिन बोलना कुछ नहीं है उसे, तो उसका कुछ नाम नहीं है तो जरूरत नहीं है वहां पे बढ़ाने की, ठीक है ना, समझ आ गई बात। नाउ ये बोला मैंने डिफरेंस, अब और डिफरेंस क्या है, और डिफरेंस आपके पास क्या है, और डिफरेंस है आपके पास, और डिफरेंस है कि यहां पे जो है हमारा रेडियल डिस्चार्ज एट आउटलेट है, ठीक है ना, रेडियल एट आउटलेट, यहां इनलेट है, यहां रेडियल एट आउटलेट है। अंतर क्या है, अंतर यह है कि यहां पे अल्फा 90 है, टर्बाइन में बीटा 90 था, ठीक है, अल्फा 90 से यहां वी डब्ल्यू वन जीरो है, वहां वी डब्ल्यू टू जीरो था, यहां पे वी वन इजिकल टू वी एफ वन है, वहां पे वी टू इजिकल टू वी एफ टू था, ठीक है ना, दीज आर द मेजर डिफरेंसेस इन टर्बाइन एंड दी पंप, ठीक है ना, तो वो उसका एक रिवर्स सेक्शन हो जाता है बिल्कुल। तो ये मेन मेन डिफरेंसेस जो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, हटा दू फिर मैं ये, ठीक है। तो वेलोसिटी ट्रायंगल जरूर याद रखेगा, वेलोसिटी ट्रायंगल बहुत जरूर याद रखेगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। वैसे समझाने के लिए मैं एक दूसरा डायग्राम बनाता हूं जिसमें ब्लेड ब्लेड एंगल के हिसाब से मैं चलता हूं, लेकिन ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाया क्योंकि शॉर्ट रिवीजन में ये डायग्राम ही सही है आपको याद रखना, क्यों, बिकॉज बुक्स में आपको यही डायग्राम देखने को मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन समझाने के लिए मैं एक डिफरेंट डायग्राम बनाता हूं जो बुक्स वाला नहीं है, उसमें थोड़ा सा ये है कि ब्लेड एंगल वगैरह थोड़ा और अच्छे से दिखता है, क्लियर है। तो फिलहाल आप याद यही डायग्राम रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से सोचे तो फिर इसी डायग्राम की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो कुछ नहीं है बच्चों, सिंपल याद रखिए कि बीटा जो है आपको वो बैकवर्ड फ्लो के वजह से, बैकवर्ड मोशन मतलब यहां पे अब ये ऐसे धकेलेगा ना इसे, तो ऐसे याद रख लीजिए कि बैकवर्ड साइड से ऐसे धकेलेगा तो इट एंगल शुड बी, दिस एंगल शुड बी आपका, जैसे हम इधर को बनाते थे तो अब ये ऐसा डायरेक्शन में है, बीटा जो है हमारा वो हम ऐसे बनाते थे, जब हम ऐसे बनाते थे तो दैट इज क्लॉकवाइज, अब ये यहां पे एंटी क्लॉकवाइज समझ लीजिए, इसे बेस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल है बीटा हमारा, ठीक है ना, क्योंकि अगर वैसे देखेंगे तो बीटा फिर ये ऐसे हो गया इस तरह से, ठीक है। तो अब नाउ अब यहां पे आगे की एक और चीज समझिए कि अगर हम लोग ब्लेड्स का डिफरेंस देखते, रेडियल इनलेट ये होता है बच्चों, देखो इस डायग्राम से समझ नहीं आएगा, मैं एक बार बता देता हूं, रेडियल इनलेट होता है कि जो पानी एंटर करेगा
पानी एंटर करेगा वो अलोंग द रेडियस एंटर करेगा, बिल्कुल ठीक है ना। तो रेडियल इनलेट होता है कि पानी जो है वो उस सेंटर के, मान लीजिए ये ब्लेड है आपका, तो ये सेंटर ऑफ द पंप है, तो इस तरह से सेंटर ऑफ द पंप से ब्लेड ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये है आर वन, ये है आर टू रेडियस। तो जो एंटर करेगा वो रेडियली एंटर करेगा, मतलब अब ये लाइन जो है वो इस ब्लेड के क्या होगी, 90 डिग्री होगी। तो अगर मैं ऐसा 90 डिग्री लाइन को चेंज नहीं कर रहा हूं तो मैं इसी को 90 मान लेता हूं कि ये V1 ऐसे एंटर किया और बेस इसको मान लेता हूं 90 डिग्री ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरह बना सकता हूं मैं, ये हो गया मेरा VR1 ऐसा। तो ये अब रेडियली मैंने मान लिया 90 डिग्री अलोंग द रेडियस 90 डिग्री, क्योंकि अगर मैं सीधा करूंगा तो ये फिर इसके ऊपर आ जाएगा ना, तो इसलिए हम ऐसा मान सकते हैं। तो इसलिए डायग्राम थोड़ा टेढ़ा दिखता है, ठीक है, टेढ़ा है नहीं, वो अलोंग द रेडियस 90 डिग्री है, बिल्कुल इस तरह से, क्लियर है। अब जैसे ये अगर ऐसे रेडियल आउटलेट भी होता तो ये बाहर भी ऐसे निकलता, फिर रेडियली आउटलेट होता तो V2 ऐसे निकलता बाहर बीटा 90 बना के, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, तो वो कैसा है, वो एक तरह से बोले तो इस तरह से है, ऐसा है, ठीक है ना। तो रेडियली होता तो वो भी सीधा है, ऐसा हम निकालते बाहर उसे, ठीक है, ये चीज। तो ये फर्क होता है, ठीक है। तो रेडियल आउटलेट मतलब ये सीधा, रेडियल इनलेट मतलब ये, हमने बस इसको सीधा ना लेके हमने 90 मार दिया। कई लोग इसको सीधा बनाते हैं, कई लोग ऐसा भी बनाते हैं, ब्लेड को ऐसा बनाते हैं इस तरह से ताकि इसको आप सीधा ले सको, ऐसा इसको सीधा ले सको और इसको ऐसे ले सको। तो कई लोग ऐसा भी बनाते हैं डायग्राम, ऐसा 90 डिग्री, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वी वन वी आर वन, ठीक है ना, और इसको ऐसा बनाएंगे फिर। तो कई लोग ऐसा भी बनाते हैं, तो वही मैंने कहा डायग्राम बनाने के अगर समझते हैं आप तो अलग अलग तरीके भी हैं जिस तरह से आप शो कर सकते हैं, बट वही है कि आपको ज़्यादा अच्छा है कि डायग्राम आपको जो बुक्स में दिखाया वो याद रहे, ताकि आप अगर पेपर में कोई क्वेश्चन उठे तो आप आसानी से पहचान सके। जब थोड़ा थोड़ा समझ में और आने लगेगा तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्लियर है। नाउ नाउ यहाँ पे अब एक बेसिक सी चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं हमारे ब्लेड्स के कंपैरिजन की यहाँ पे, ठीक है ना, ब्लेड के कंपैरिजन की बात करते हैं, तो इंपेलर्स जो हैं हमारे वो तीन तरह के वैसे हो सकते हैं पंप में, तीन तरह के इंपेलर्स जो हैं हमारे वो हो सकते हैं, ठीक है। पहला मान ये, दूसरा एंड द थर्ड वन, वी कैन ड्रॉ थ्री टाइप्स ऑफ इंपेलर्स, देयर इज अ शाफ्ट, ये हमारा इंपेलर है। अब तीनों में ब्लेड लगे हुए हैं, एक तरफ ब्लेड लगाया मैंने इस तरह से, ठीक है, दैट इज अ फॉरवर्ड ब्लेड, बैकवर्ड ब्लेड, एक तरफ लगाया ब्लेड मैंने। अब ये मैं ऐसे मोशन करा रहा हूं इस तरह से, तो ऐसे मोशन करा रहा हूं तो वाटर अगर इस साइड है तो ये हुआ बैकवर्ड ब्लेड, ठीक है। अगर मैं ऐसे मोशन करा रहा हूं ब्लेड सीधा है मेरा, ठीक है ना, इस तरह से, तो वाटर इस साइड लिया मैंने, ठीक है। और अगर मैं ऐसे करा रहा हूं, मान लीजिए फॉरवर्ड है, तो मैं ब्लेड को ऐसा ले लूंगा, ठीक है, ब्लेड को ऐसा ले लूंगा मैं, तो वाटर मेरा इस साइड। तो मैंने व्हील का मोशन और वाटर की पोजीशन एक जैसी रखी है, जस्ट वी कैन कंपेयर वाटर फ्रॉम द कॉनकेव साइड, वाटर एट द फ्लैट साइड एंड वाटर एट द कॉन्वेक्स साइड। तो जब कॉनकेव साइड में है तो इसलिए कंफ्यूज मत होना बच्चों, ऐसा बनाओ वैसा बनाओ, बस लॉजिक दिमाग में क्लियर रखो कि वाटर एट द कॉनकेव साइड, तो वो बैकवर्ड हो गया, तो यह कहलाता है बैकवर्ड ब्लेड, बैकवर्ड वेन, ठीक है। स्ट्रेट रहता है दैट इज कॉल्ड रेडियल वेन, रेडियल वेन। और जब कॉन्वेक्स कॉन्केव साइड आएगा साथ में, इस साइड में कॉन्केव साइड होगा, ठीक है ना, ये कॉन्वेक्स साइड हो गया, सॉरी कॉन्वेक्स साइड, और ये कॉन्केव साइड हो गया, तो ऐसे में होगा हमारा फॉरवर्ड, ठीक है ना। अब ऐसे में हमारा देखिए एक सिंपल सी चीज है, अगर मैं वाटर को ऐसे घुमा रहा हूं,
ठीक है, तो मुझे वैसे इस साइड ले लेना चाहिए, थोड़ा आसानी रहेगी। देखो, अगर मैं पंप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पंप की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पंप की, टरबाइन नहीं, तो ये मैंने फॉरवर्ड वेन लिया। अब मैं तीनों में पंप की बात कर रहा हूँ, तो तीनों में पंप मतलब जो ब्लेड है, पानी है हमेशा, वो मैं इस साइड ले रहा हूँ, इस साइड ले रहा हूँ, और एक में मैं इस साइड, यहाँ पे मैंने ऐसे लिया, तो अब मैं पंप ले रहा हूँ, तो पंप मतलब मेरा टरबाइन वाटर को घुमाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने ऐसे चलाया और पानी ऐसे है, तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, ये मैंने ऐसे चलाया, पानी ऐसे है, तो पानी को ऐसे पुश किया, यहाँ पे पानी को ऐसे पुश किया, यहाँ पे पानी को ऐसे पुश किया, ठीक है, इस तरह से ऐसे पुश किया, तो ये पानी को ऐसे पुश कर रहा है, ये पानी को ऐसे पुश कर रहा है, और ये पानी को ऐसे पुश कर रहा है, इस तरह से, ठीक है। तो ये वाटर को तीनों जो है वो कुछ इस तरह से पुश कर रहे हैं। तो मैंने पंप को तीनों ब्लेड से लेने की कोशिश की जाती है, तो जब तीनों ब्लेड से लेता हूं मैं, तो ब्लेड इधर को मूव कर रहा है, तो ब्लेड की वेलोसिटी क्या होगी, U1, ऐसे हुई, ब्लेड की वेलोसिटी क्या हुई, U1, तो ये ब्लेड एंगल है, ब्लेड एंगल से अगर मैं देखूं तो U1 ऐसे हुई, ठीक है। सेम अगर मैं देखूं ब्लेड एंगल से U1, तो ये ऐसे हुई, ठीक है। सेम अगर मैं देखूं ब्लेड एंगल से U1, तो ब्लेड एंगल क्या हुआ मेरा, ऐसे हुआ, और इससे U1 ये ऐसे हुई, ठीक है, ठीक है ना। तो इधर को व्हील मेरा घुमा रहा हूं, मैं व्हील को, इंपेलर को इधर को घुमा रहा हूं, तो सब में U1 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 मैंने ऐसे लिया, बस ब्लेड एंगल के साथ उनके एंगल देखो, तो ब्लेड एंगल के साथ जब मैं यहां एंगल देखता हूं, तो यहां एंगल मुझे नजर आता है, दैट इज लेस देन 90, तो फाई जो मुझे नजर आता है यहां पे, वो मेरा फाई जो है मुझे लेस देन 90 डिग्री नजर आता है, यहां पे जो फाई है मुझे नजर आता है इक्वल टू 90 डिग्री, और यहां फाई जो है मुझे नजर आता है दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये मेन डिफरेंसेस आपको ध्यान रखना है कि पंप के केस में हमारा जो बैकवर्ड ब्लेड है वो 90 डिग्री से कम एंगल बनाता है, रेडियल जो है वो 90 डिग्री बनाता है, और फॉरवर्ड जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री बनाता है, ठीक है ना। तो याद रखिए, जब हम प्रेफरेंस की बात करते हैं, जब हम प्रेफरेंस की बात करते हैं, तो एक छोटी सी चीज मैं और बता दूं, यहीं पर लिखा देता हूं, क्योंकि वो बाद में भी आप कंपेयर करते हैं तो भी दिक्कत आती है। रेडियल वेन जो है वो हमारी मोस्ट सस्ती वेन होती है, सबसे ज्यादा लो कॉस्ट वेन होती है, ठीक है ना। लो कॉस्ट काहे कि लो कॉस्ट इसलिए क्योंकि डिजाइनिंग बहुत सिंपल है, रेडियल है, तो जो लो कॉस्ट इक्विपमेंट्स होते हैं, लो कॉस्ट पंप होते हैं, छोटे मोटे पंप होते हैं, जैसे आपको छोटा कूलर का पंप दिख जाएगा, अपने एक्वेरियम का पंप दिख जाएगा, तो ये क्या है, लो कॉस्ट पंप है। तो इस लो कॉस्ट पंप के लिए ब्लेड की इतनी बड़ी कीमत तो नहीं देनी है आपको, क्योंकि टोटल ओवरऑल ही पंप 250-300 रुपए का है। तो ऐसे में याद रखिए, हम रेडियल वेन्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो इन सब में आपको रेडियल वेन दिखाई देगी, तो इट इज अ लो कॉस्ट पंप वेन्स, वी यूज रेडियल वेन्स, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं है, आप इजिली जो है वो यूज कर सकते हैं, तो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी खराब नहीं है, छोटे पंप के लिए, छोटे पावर कंजप्शन के लिए इसकी परफॉर्मेंस जो है वो ठीक है, तो उसके लिए हम रेडियल यूज करते हैं। अब बात आती है फॉरवर्ड बैकवर्ड में, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड में याद रखिए, एक है, हमें यहां बता देता हूं, इसको हटा देता हूं, ठीक है, ये समझ गया ना, इसको हटा देता हूं मैं, क्योंकि अब इन दोनों का कंपैरिजन देखना है आपको कि फॉरवर्ड बैकवर्ड में क्या होता है, एक तरफ ग्रेटर देन लेस देन 90 है और एक तरफ ग्रेटर देन 90 है, तो उससे क्या होता है, VW2 अगर हम कंपेयर करते हैं, तो फॉरवर्ड साइड में जो है VW2 ग्रेटर होता है। भाई यहां आपने देखा था VW2 क्या था, इतना सा था, वहां VW2 कितना था, बैकवर्ड में इतना बनेगा, है ना। तो यहां पे VW2 ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इधर के VW2 से, फॉरवर्ड में जो है वो VW2 ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इधर के, मैं साथ साथ फॉरवर्ड भी लिख देता हूं ताकि आपको कंपैरिजन रहे, ठीक है ना। तो VW2 एट फॉरवर्ड साइड, जो कंपैरिजन लिख रहा हूं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैं शब्द शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसको प्रूव भी कर सकते हैं, तो फॉरवर्ड साइड में, क्योंकि प्रूफ क्या है, फिर दोनों के डायग्राम बनाओ और सॉल्व करो, प्रॉपर निकालो चीजें वहां से, कंपैरिजन करो। तो अभी शॉर्ट में सिंपल समझ लीजिए कि VW2 जो है वो फॉरवर्ड साइड का बड़ा होता है एज कंपेयर टू बैकवर्ड साइड के, और आपको पता है जो पावर हम लोग निकालते हैं इंपेलर पावर, उसमें VW2 आता है हमारे, है ना। टरबाइन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड फॉर पंप ही बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ये मैं सोचिए कि टरबाइन है सर, VW2 तो जीरो होता है टरबाइन में, फ्रांसिस टरबाइन की बात ही नहीं हो रही है, यहां हो रही है कि अगर पंप
सेम पंप में मैं फॉरवर्ड ब्लेड लेता हूं और सेम पंप में मैं बैकवर्ड ब्लेड लेता हूं तो कंपैरिजन क्या है? तो जब मैं फॉरवर्ड लेता हूं तो VW2 ज्यादा बड़ा आता है और बैकवर्ड लेता हूं तो VW2 छोटा आता है, ठीक है। अब इंपेलर पावर, ठीक है ना, इंपेलर पावर जो है तो ऑब्वियस बात है इंपेलर पावर किस पे डिपेंड करती है? इंपेलर पावर जो है वो भी VW2 पे डिपेंड करती है। फॉर्मुला पता है आप लोगों को रनर पावर का, VW2U2 है ना, तो VW2U2/G या VW2U2 हमने निकाला था फॉर्मुला m.VW2U2। तो VW2 इंपेलर पावर जो है वो भी कम लगती है एज कंपेयर टू इंपेलर पावर इन दिस। अब देखो बहुत ही सुंदर यहां पे चीजें पता चलती हैं बैकवर्ड और ए फॉरवर्ड, ठीक है ना। क्यों हम बैकवर्ड यूज करते हैं, क्यों प्रेफर करते हैं बैकवर्ड, ये बता रहा हूं। इंपेलर पावर जो है आपकी वो कम है इन बैकवर्ड एज कंपेयर टू इन फॉरवर्ड, समझ आ रही है बात, ठीक है ना। अब देखिए इंपेलर पावर कम जा रही है तो इंपेलर पावर को कौन घुमा रहा है यहां पे? शाफ्ट पावर, है ना। इंपेलर पावर कम जा रही है तो इंपेलर पावर को कौन घुमा रहा है? शाफ्ट पावर। तो इसका मतलब यह है कि शाफ्ट पावर जो है वो बैकवर्ड पे ज्यादा देनी पड़ेगी, सॉरी कम देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू शाफ्ट पावर जो है वो आपको फॉरवर्ड पे, समझ आ रही ना बात भैया। इंपेलर पावर, इंपेलर को कौन घुमाएगा? शाफ्ट ही तो घुमाएगी ना। तो इंपेलर को अगर कम पावर चाहिए तो वो पावर कम कौन देगा? शाफ्ट ही देगी। ज्यादा चाहिए तो ज्यादा कौन देगा? शाफ्ट ही देगी। तो इंपेलर पावर अगर कम चाहिए बैकवर्ड को तो शाफ्ट पावर भी कम देनी पड़ेगी। तो अगर कम देनी पड़ेगी तो आप बताइए ये क्या डिवाइस है? ये पंप है जी। अब जब पंप की बात करते हैं तो अब आप यहां पे साफ दे सकते हैं कि जब हम पंप की बात करते हैं तो पंप में पावर आपको देना है, पावर लेना नहीं है। तो जहां पावर देना है वहां पावर कम होना चाहिए, जहां पावर देना है वहां पावर कम होना चाहिए, जहां पावर लेना है वहां पावर ज्यादा होना चाहिए। तो पंप में हमें पावर देना है, तो अगर पावर देना है, यू ऑल नो दैट द ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल टू शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर, ठीक है ना। अब अगर हम पंप की बात कर रहे हैं, ये टरबाइन की बात है, टरबाइन में क्या बोलते हैं? शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर। लेकिन हम पंप की बात करें तो ठीक उल्टा हो जाएगा। पंप में तो क्या कर रहे हैं? मैकेनिकल टू हाइड्रोलिक कन्वर्ट कर रहे हैं पावर को, ठीक है ना। शाफ्ट देके वाटर पावर ले रहे हैं पंप में, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इनपुट क्या है? शाफ्ट पावर। इनपुट क्या है? शाफ्ट पावर। और आउटपुट क्या है? मिल क्या रहा है? वाटर पावर। ध्यान से समझिएगा, जिसको हल्का सा भी स्लिप करके उसके कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, और जिसको समझ में आ रहा है उसको बहुत मजा आने वाला है। क्या? कि ओवरऑल एफिशिएंसी इज वाटर पावर अपॉन शाफ्ट पावर। तो मतलब वाटर पावर ज्यादा चाहिए, ज्यादा मिलेगी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, शाफ्ट पावर कम से कम खर्च होगी, शाफ्ट पावर कम से कम खर्च होगी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, समझ आ रही बात। शाफ्ट पावर कम से कम खर्च होगी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो यहां पे अब आप देख सकते हो शाफ्ट पावर कम से कम खर्च कहां हो रही है? बैकवर्ड में कि फॉरवर्ड में? किसमें हो रही है? बैकवर्ड में कि फॉरवर्ड में? बैकवर्ड में, ऑब्वियस ही बात है बैकवर्ड में। बैकवर्ड में जो है एफिशिएंसी जो है ओवरऑल एफिशिएंसी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ओवरऑल एफिशिएंसी इन फॉरवर्ड, समझ आ रही है बात। तो अब साफ है कि बैकवर्ड में अगर एफिशिएंसी ज्यादा है तो दैट मींस बैकवर्ड वेन्स आर मोर एफिशिएंट इन पंप, तो ऑब्वियस ही बात है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे? बैकवर्ड वेन्स आर मोर एफिशिएंट, मोर प्रेफरेबल। तो याद रखिएगा मोर एफिशिएंट इन पंप। अब समझ आया? अब समझ आया आपको कि क्यों बैकवर्ड वेन्स यूज कर रहे हैं हम पंप में, समझ रहे ना बात। व्हाई बैकवर्ड वेन्स आर प्रिफर्ड इन पंप? बिकॉज यू कैन जस्ट ड्रॉ द वेलोसिटी ट्राइंगल डायग्राम एंड इन वेलोसिटी ट्राइंगल डायग्राम यू विल फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वर्ल्ड इन बैकवर्ड वेन्स इज लेस देन एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ वर्ल्ड इन फॉरवर्ड वेन। एंड इफ VW2 इज लेस देन इंपेलर पावर इज लेस, इंपेलर पावर इज लेस देन शाफ्ट पावर इज लेस, शाफ्ट पावर इज लेस देन एफिशिएंसी इज हाई। और वहीं जब हम टरबाइन की बात करते हैं तो ठीक उल्टा सेम चल रहा है, ठीक उल्टा सोचना है। क्या? टरबाइन मतलब इट विल गिव अस मोर पावर, ठीक है ना, इट विल गिव अस मोर पावर। तो मोर पावर कब देगा? मोर पावर देगा जब VW2 ज्यादा मिलेगा। VW2 ज्यादा मिलेगा तो इंपेलर पावर ज्यादा मिलेगा, इंपेलर पावर ज्यादा मिलेगा तो शाफ्ट पावर ज्यादा मिलेगा, शाफ्ट पावर ज्यादा तो उल्टा, फॉर्मूला उल्टा। टरबाइन के लिए फॉर्मूला उल्टा, शाफ्ट पावर ऊपर है, शाफ्ट पावर ज्यादा तो एफिशिएंसी ज्यादा, एफिशिएंसी ज्यादा तो फॉरवर्ड ब्लेड्स आर मोर प्रेफरेबल। तो इन टर्बाइन्स फॉरवर्ड ब्लेड्स आर मोर प्रेफरेबल बिकॉज टर्बाइन्स आर वर्क गिविंग, वर्क दे रहे हैं टर्बाइन, ठीक है ना।
टर्बाइन वर्क ले नहीं रहे हैं, वर्क दे रहे हैं, तो वर्क देने के लिए हमें शाफ्ट पावर ज्यादा देनी है, मतलब मिलनी चाहिए। क्लियर है, समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? देखिए पूरा यही मेन निचोड़ है सेंट्रिफ्यूगल पंप का, बाकी तो सब चीजें रटे रटाई हैं, आप चीजें देख के कर सकते हो, लेकिन ये है जो किताबों में अच्छे से नहीं दी होती है, ये सिर्फ महसूस करने वाली चीजें हैं। तो मेरा काम है आपको वो चीज महसूस कराना, ठीक है ना। करने को आप एनालिसिस बहुत बड़ा भी कर सकते हो इस चीज के ऊपर, लेकिन सिर्फ इस कंपैरिजन को जस्ट महसूस करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा आगे से दिमाग में कि भैया फॉरवर्ड इज फॉर टर्बाइन एंड बैकवर्ड इज फॉर पंप। आप लगा सकते हैं फॉरवर्ड, कोई दिक्कत नहीं है, पंप में भी आप फॉरवर्ड लगा के घूमो, लेकिन यू विल गेट लेस एफिशिएंसी। ठीक है, समझ आई बात? समझ आई बात? यू विल गेट लेस एफिशिएंसी। तो ये चीजें तब तक ना कोई समझा सकता है और तब तक ना कोई समझ सकता है जब तक आपको महसूस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे महसूस होना प्रॉपर जरूरी है। क्लियर है? क्लियर है? शांति से समझाना आज। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो चार लाइन की बात है लेकिन पूरा खेल इसी में है। अगर इसको आप समझेंगे तो एक स्किल टेस्ट में सेंट्रिफ्यूगल पंप में कॉन्फिडेंस ही आपको अलग होगा कि अच्छा ये ऐसा है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। क्लियर है ना? चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चों के समझ में आ गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नाउ दैट्स लाइक अ कंप्लीट क्लास। तो ऐसे ही करना है, हम लोग कंसेप्ट समझे उसके बाद आप रेस्पॉन्ड करें जैसे आप कर रहे हैं, ठीक है ना। बीच में हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसलिए अब ये हम डिसीजन ले लेते हैं कि वी यूज द बैकवर्ड ब्लेड्स फॉर द पंप, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने? हट जाऊं मैं जरा सा। ओके, वेरी गुड। चलिए हटा देते हैं इसे नाउ। अब फॉरवर्ड को तो हटा दो। नाउ नाउ अब वी कैलकुलेट एवरीथिंग विथ फॉरवर्ड। और अगर आपको कंपैरिजन करना भी है ना तो एक कंपैरिजन ऐसा भी लिख, याद रख लेना कि ओवरऑल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी विद बैकवर्ड ब्लेड इज हायर इन केस ऑफ पंप। इन केस ऑफ पंप हम बात कर रहे हैं। देन ओवरऑल एफिशिएंसी फॉर रेडियल, रेडियल बीच में ही आएगा, ठीक है। रेडियल जो है बीच में आएगा, इसलिए बैकवर्ड ब्लेड और रेडियल ब्लेड आपको पंप में देखने को मिल जाएंगे, फॉरवर्ड नहीं दिखेंगे, बिकॉज इट हैज वेरी पुअर एफिशिएंसी। इट हैज वेरी पुअर एफिशिएंसी। तो आप ये नहीं बोलेंगे कि फॉरवर्ड यूज कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं बोलेंगे कभी कि फॉरवर्ड यूज कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड यूज कर ही नहीं सकते वाला सीन नहीं, कर आप कुछ भी सकते हो, बट यू विल गेट द लेस एफिशिएंसी, बस इट इज अ वेरी लेस एफिशिएंट। तो इस तरह से आप बोल सकते हो फॉरवर्ड, रेडियल और बैकवर्ड के बारे में। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। नाउ नाउ ठीक है, तो फाई लेस देन हम लोग रखते हैं 90 डिग्री। तो कितना रखते हैं फाई? तो इन जनरल याद रखिएगा फाई जो है वो हम लोग लगभग लगभग फाई, हमने बोला लेस देन 90 ना, तो लेस देन 90 मतलब फाई जो है वो अप्रोक्सीमेटली 20 और 20 से कम रख लेते हैं, 20 डिग्री और 20 डिग्री से कम रख लेते हैं इन नॉर्मली, ठीक है ना। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फाई जो है इन जनरल हम लोग मतलब 20 डिग्री से नीचे नहीं, 20 डिग्री से ऊपर ऊपर मान के चलो, क्योंकि 20 डिग्री से नीचे जाएंगे तो कम हो जाएगा, 20 डिग्री से ऊपर ऊपर। तो ये समझ लीजिए फाई जो है वो ग्रेटर देन आप 920 डिग्री रख सकते हो, ठीक है ना। फाई 20 डिग्री से नीचे नहीं रखना है, बहुत कम नहीं रखना है, तो थोड़ा सा आप 20 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में रख सकते हो फाई को, ठीक है ना। क्लियर है? समझ आ गई बात? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। ऐसा भी क्यों होता है ये भी आप देख सकते हो। अगर कोई पूछता है कि फाई को बहुत ज्यादा कम कर ले, तो फाई को बहुत ज्यादा कम कर लोगे तो क्या होगा? देखो फाई ऐसा है, फाई को बहुत ज्यादा कम कर लोगे तो क्या होगा? वेन की लेंथ बढ़ती है, ठीक है ना। ऐसा भी याद रखिएगा, फाई को अगर मैं बहुत ज्यादा कम करता हूं तो क्या होता है? वेन की लेंथ जो है, लेंथ ऑफ द वेन, लेंथ ऑफ वेन जो है वो इंक्रीज होगी। देखो ना ये ऐसा है, अगर मैं फाई को ऐसा रखा हूं तो ये फाई हुआ, अगर मैं फाई को ऐसा रखा हूं तो ये क्या हुआ? ये फाई छोटा हो गया,
और डिक्रीज करूं ऐसा, तो क्या होगा, लेंथ ऑफ द वेन जो है देखो इंक्रीज करता जा रहा है, लेंथ ऑफ द वेन जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है, दिख रहा है ना आपको भाई, ये लेंथ कम है, ये लेंथ और ज्यादा, ये लेंथ और ज्यादा है, तो लेंथ ऑफ द वेन जो है आप देख रहे हो कि इंक्रीज करता जा रहा है इधर से इधर को, तो फाई जैसा जैसा कम हो रहा है वेन का लेंथ इंक्रीज कर रहा है। तो ये भी एक पॉइंट है कि ऐसा नहीं कि फाई को बहुत कम कर देना है 90 डिग्री से, ठीक है ना, बहुत कम कर देना है, उसके चक्कर में क्या होगा, बहुत कम करने के चक्कर में लेंथ ऑफ द वेन जो है वो इंक्रीज करेगा, और लेंथ ऑफ द वेन इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन लॉस बढ़ेगा, वेन के ऊपर जो फ्लो हो रहा है उसका फ्रिक्शन लॉस जो है वो इंक्रीज होगा। तो याद रखिए फ्रिक्शन लॉस जो है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना, कोई भी लेंथ है उसके ऊपर फ्लो की लेंथ बढ़ेगी तो फ्रिक्शन इंक्रीज होगा, और फ्रिक्शन इंक्रीज होगा तो फिर बात वही आ जाती है, ओवरऑल एफिशिएंसी घट जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज का ध्यान रखना है, क्लियर है, कि बहुत ज्यादा कम भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए डू नॉट गो लेस देन 20, यहां पर यह रखो, डू नॉट गो लेस देन 20 डिग्री, 20 डिग्री से कम नहीं जाना है, 20 डिग्री से नीचे नहीं जाना है, क्लियर है, समझ आ गई बात, बहुत अच्छे। तो ये कुछ हमने कॉन्सेप्चुअल चीजें आप लोगों से डिस्कस करी हैं, ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, उसके बाद आगे की चीज डिस्कस करते हैं। नाउ अब थोड़ा सा कैलकुलेशन समझिए, इसकी थोड़ा सा कैलकुलेशन समझिए, व्हाट इज हम बात करते हैं जब इंपेलर पावर की, इंपेलर पावर की, ठीक है, ठीक है, इंपेलर पावर जब हम बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला वही है, VW2U2 मतलब फ्रांसिस टरबाइन का माइनस ले लो, इन माइनस ऑफ रनर पावर, है ना, उल्टा है ना बस, तो माइनस ऑफ रनर पावर ले लो, ठीक है। तो वहां क्या था, VW1U1, ठीक है, माइनस VW प्लस या माइनस VW2U2 अपॉन जो भी है जी, अगर आप लेना चाहते हो तो जी लो, नहीं तो सिर्फ रो क्यू, आप सिर्फ ये भी कह सकते हो रो क्यू मतलब एम डॉट, तो यहां पे हम इसका उल्टा कर देंगे, माइनस अंदर जाएगा तो ये बचेगा रो क्यू VW2U2 माइनस VW1U1, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। वहां पे प्लस लेते हैं ना हम लोग, क्यों लेते हैं, क्योंकि एंगल बीटा जो है वो उसके हिसाब से बनता है, ठीक है, तो VW2U2 माइनस VW1U1 ये हो गया। अब ये है हमारी इंपेलर पावर, अब इसमें हमें पता है कि VW1 हमारा क्या है, यहाँ जीरो है, तो वी जस्ट राइट रो क्यू समझ रहे हैं ना, इट इज जस्ट एम डॉट मतलब रो क्यू VW2U2, ठीक है, दैट इज एम डॉट ही रहने देते हैं। ये हुआ हमारा, अब इंपेलर पावर पर यूनिट वेट मैंने आपको बताया था, यहां पर यूनिट वेट पर सेकंड बहुत जरूरी है, इंपेलर पावर वेट पर सेकंड, तो वेट पर सेकंड के लिए मैंने क्या लगा दिया नीचे, एम जी वेट, और पर सेकंड मतलब एम डॉट जी, तो यहां से एम डॉट कट जाता है, और जो सबसे कॉमन हम लोग यूज करते हैं वो है इंपेलर पावर पर यूनिट वेट पर सेकंड इज इक्वल्स टू VW2U2 अपॉन जी। तो याद रखिएगा यही जो है सबसे ज्यादा हम लोग यूज करेंगे हर जगह, सबसे ज्यादा जो हम यूज करेंगे हर जगह वो यही है, ठीक है ना, तो दैट इज VW2U2 अपॉन जी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसी को हम लोग यूज करेंगे वेट पर सेकंड, ये चीज रखिए, इंपेलर पावर पर यूनिट वेट पर सेकंड, इसी तरह से इसको बोलेंगे और इसको ऐसा ही यूज करेंगे हम, क्लियर है। तो अब इसी के बेसिस पे आप बाकी सब चीजें कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि टाइमिंग बच्चों सब डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं वाटर पावर, यह है इंपेलर पावर, हम बोलते हैं वाटर पावर, तो वाटर पावर पर यूनिट वेट से करने का मतलब समझते हैं ना, पर यूनिट वेट मतलब क्या होता है, देखो किसी भी पावर को पर यूनिट वेट करने का मतलब क्या है, क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा, ध्यान से समझिएगा, पावर होता है आपका वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वर्क डन अपॉन
टाइम टेकन, वर्क डन होता है न्यूटन मीटर, टाइम टेकन पर सेकंड अपॉन वेट पर सेकंड। वेट पर सेकंड करने का मतलब, वेट मतलब न्यूटन पर सेकंड, ठीक है। अब देखो न्यूटन से पर सेकंड, न्यूटन पर सेकंड कट गया तो बचा क्या, मीटर, तो ये आ जाता है हेड की फॉर्म में, ठीक है ना। तो ऐसा करने का मतलब होता है हेड की फॉर्म में लिखना, पावर को पर यूनिट वेट करने का मतलब है हेड की ही फॉर्म में लिखना, ये चीज दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि हमको हेड की फॉर्म में लिखना है। तो नाउ अब यहां पे आप उसी कंपैरिजन में ध्यान रखिए कि जब हम एफिशिएंसी लिख रहे हैं यहां पे, जैसे वहां हम पावर अपॉन पावर कर रहे थे, तो यहां हम पावर पर यूनिट वेट पर सेकंड अपॉन पावर पर यूनिट वेट पर सेकंड करेंगे, या सिंपल बोलो कि हेड की फॉर्म में लिखेंगे। तो जैसे मैं वाटर पावर को, वाटर पावर को क्या होती है वाटर पावर, रो क्यू, ठीक है। देखो मैंने स्टार्टिंग में कहा था बच्चों, सेंट्रिफ्यूगल पंप में ऐसे प्रॉपर नोट्स वाला कुछ नहीं है, ऐसे बोलोगे तो चार लाइन में खत्म हो जाएगा सेंट्रिफ्यूगल पंप, लेकिन समझने वाली छोटी छोटी चीजें हैं, तो अगर आप समझ के चल रहे होंगे आज तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो रो क्यू जी एच एम है ना, एम जी एच एम डॉट जी एच कर लिखा था, तो रो क्यू जी एच एम, मैंने क्या कहा था एच एम क्यू लिखा, मैंने क्या कहा था सारे हेड जो होंगे वो मैनोमेट्रिक हेड होंगे, सारे हेड जो होंगे वो मैनोमेट्रिक हेड होंगे, तो इसलिए हमने एच एम लिखा है मैनोमेट्रिक हेड। तो ये हुई वाटर पावर। अब इसको भी मैं बोलूं अगर वाटर पावर पर यूनिट, ठीक है ना, एम डॉट जी एच एम लिख देता हूं, एम डॉट जी एच एम, इसको मैं बोलूं वेट पर सेकंड से डिवाइड करो ताकि हेड की फॉर्म में लिखो, तो एम डॉट जी नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा, दैट इज एच एम। तो मतलब वाटर पावर क्या है, एच एम है, ठीक है। और ये क्या है हमारा, इंपेलर हेड है, इंपेलर हेड है, ये है इंपेलर हेड और ये है मैनोमेट्रिक हेड। मैनोमेट्रिक हेड मतलब वाटर पावर पर यूनिट वेट पर सेकंड, ये चीज ध्यान रखिएगा, मैनोमेट्रिक हेड एक्चुअल में क्या है, वाटर पावर पर यूनिट वेट पर सेकंड, समझ आई बात। और तीसरी है हमारी शाफ्ट पावर, यहां उसमें कोई खास नहीं है, शाफ्ट पावर आपने किसी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलानी है, तो दैट इज 2πNT/60, उसमें कोई नई चीज नहीं है, ठीक है ना, तो उसमें कोई नई चीज नहीं है, वो आप पावर की फॉर्म में रहने दोगे बस, उसको भी आप क्या करोगे शाफ्ट पावर को, उसका कुछ नहीं कर सकते, शाफ्ट पावर इज सेम विल बी लाइक दिस, ठीक है। नाउ अब देखो, अब हम कंपैरिजन करते हैं, ये समझ गए, तो अब मेरा कंपैरिजन देखो, कंपैरिजन किस में है, वो है इंपॉर्टेंटली आपका मैकेनिकल हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम यहाँ पे मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी कहते हैं, चलो ठीक है। तो देखो, तो अब यहां पे भी सेम क्या है, वाटर पावर आपने इलेक्ट्रिसिटी से चलाई, शाफ्ट पावर, शाफ्ट पावर दिया आपने किसको, इंपेलर को, इंपेलर से आपने चलाया, दैट इज इंपेलर चलाया और क्या दिया आपने, वाटर पावर, ठीक है, ये है सिंपल कंपैरिजन। यहां पे भी, तो यहां पे भी सेम वही सिस्टम है, बस रिवर्स डायरेक्शन में चल गया उल्टा। तो अब यहां पे हमारा इंपेलर पावर से वाटर पावर देने वाले सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इंपेलर पावर से वाटर पावर देना इज कॉल्ड मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, जिसको हम हाइड्रोलिक बोलते थे वहां, यहां पे हम मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी बोलते हैं। तो ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिए मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्यों, क्योंकि मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है, दैट इज इंपेलर आउटपुट क्या है, वाटर पावर, वाटर पावर आउटपुट क्या है, वाटर पावर, और इनपुट क्या है, इनपुट है आपका दैट इज इंपेलर पावर, ठीक है। अब आप वाटर पावर इंपेलर पावर का फॉर्मूला लिखें, उससे अच्छा क्या है, उससे अच्छा क्या है कि आप इसको भी पर यूनिट वेट बोल दें और आप इसको भी पर यूनिट वेट पर सेकंड बोल दें, ठीक है ना, वेट पर सेकंड, थोड़ा ज्यादा हो जाता है लिखने को लेकिन समझना है तो बहुत आसान है। देखो अब वेट, वाटर पावर वेट पर सेकंड क्या हो गया, एच एम, और इंपेलर पावर वेट पर सेकंड क्या हो गया, वी डब्ल्यू टू यू टू अपॉन जी। तो अब आगे से ध्यान रखिएगा, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी आपको पूछता है तो यू विल जस्ट राइट जी एच एम अपॉन वी डब्ल्यू टू यू टू, जी एच एम अपॉन वी डब्ल्यू टू यू टू, दैट्स इट,
समझ आई बात? GHM अपॉन VW2 U2, दैट इज कॉल्ड मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। GHM अपॉन VW2 U2, यही मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी हम लोगों को याद रखनी है। क्लियर है? समझ आ गई बात? ठीक है, ठीक है। तो ये नहीं भूलना है, क्योंकि बाकी के फॉर्मूले में कुछ नहीं है, बाकी तो आप पावर ही लेनी पड़ेगी, लेकिन इसको आपको नहीं भूलना है, दैट इज द मेन थिंग। क्लियर है? नाउ अब देखो, और चाहो निकाल सकते हो, औरों में कोई टेंशन नहीं है, बाकियों में आप सिर्फ चाहे पावर पावर लें। जैसे अगर आप बात करें मैकेनिकल एफिशिएंसी की, ठीक है, तो मैकेनिकल किस किस के बीच है? ऑब्वियसली बात है, शाफ्ट पावर से आपने इंपेलर पावर दी तो ये है मैकेनिकल, तो मैकेनिकल वही है, बस आउटपुट हो गया इंपेलर पावर और ये हो गया इनपुट, हो गया शाफ्ट पावर। तो देखो, इंपेलर पावर को वहां खोलने की जरूरत नहीं है फॉर्मूले को, जहां शाफ्ट पावर है। क्यों? क्योंकि शाफ्ट पावर का कोई अपना फॉर्मूला नहीं खुलना है, और शाफ्ट पावर जो है वो पर यूनिट वेट पर सेकंड भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वेट किस चीज का, कोई पानी से थोड़ी ना चल रही है शाफ्ट, शाफ्ट तो बिजली से चल रही है। तो इसलिए शाफ्ट पावर को हम खोलते नहीं है, तो इंपेलर पावर को आप अलग से खोल के जब आ जाएगा आंसर तब यहां पुट करेंगे। तो इसलिए इसको फर्दर फॉर्मूले को नहीं खोलना है, ठीक है ना। सेम विद ओवरऑल एफिशिएंसी, ओवरऑल के साथ भी सेम है। ओवरऑल मतलब शाफ्ट पावर से आपने वाटर पावर ली, तो मींस आपको आउटपुट मिल गया वाटर पावर और इनपुट आपका था शाफ्ट पावर। तो अब बात है कि वाटर पावर को आपको पता है कैसे खोलते हैं, कैसे वेट पर सेकंड में लिखते हैं, लेकिन बात यही है कि शाफ्ट पावर आपको पता है नहीं पता ना, तो शाफ्ट पावर डायरेक्ट नहीं फॉर्मूला खोलना है, कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आप इसलिए यहां पे भी ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही जो है आप एक फॉर्मूले के टर्म में निकाल रहे हो, और क्यों लिख रहे हो ऐसा यह भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ठीक है। चाहो तो मैं शॉर्ट में सीधा तीन फॉर्मूले लिख सकता था, लेकिन मैंने आपको हमेशा ही कहा कि जब समझाया जाता है तो फिर उसके कोई लिमिट नहीं है, कि इतना बताना उतना बताना, फिर फ्लो फ्लो में निकल जाता है। तो आज फ्लो फ्लो में काफी चीजें बता दी आपको, ठीक है ना। समझ आ गई बात? वेरी गुड, क्लियर है। तो दिस इज इंपेलर अपॉन शाफ्ट, दिस इज वाटर पावर अपॉन शाफ्ट पावर। तो ये तीन फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा कैसे भी करके, तीन तो सिर्फ लिखने हैं, ठीक है। बाकी फिर चौथा वही है, ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल इनटू मैनोमेट्रिक, मैकेनिकल इनटू मैनोमेट्रिक। क्लियर है? ठीक है जी, चलिए। नाउ अब इसके बाद कुछ और फॉर्मूले लिखिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, हटा दो इसे। नाउ स्पेसिफिक स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, व्हाट इज द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप? तो बस यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, ns इज इक्वल्स टू, अब n इज द स्पीड, स्पेसिफिक स्पीड वो स्पीड है जो वहां पे क्या बोलते थे हम, जो देता था आपको यूनिट पावर, तो यहां आ जाता है यूनिट डिस्चार्ज। तो यहां पे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका q हो जाता है, ठीक है ना, दैट इज अंडर रूट q, वहां पावर था यहां डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और बाकी एच ही रहेगा, लेकिन वहां वैल्यू थी नेट हेड की, यहां है मैनोमेट्रिक हेड की, वहां था 5/4, यहां था 3/4, ये मत भूलिएगा बस। ns इज इक्वल टू एन रूट क्यू एच एम की पावर 3/4, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये नहीं भूलना है कैसे भी करके, ठीक है, जो सबसे ज्यादा आगे आपको काम आएगा, ठीक है। अब उसके बाद जैसे वहां हमने मॉडल प्रोटोटाइप के कुछ रिलेशन लिखे थे, तो यहां पे भी कुछ रिलेशन लिखने हैं मॉडल प्रोटोटाइप के, मॉडल एंड प्रोटोटाइप, ठीक है, मॉडल प्रोटोटाइप के रिलेशंस, ठीक है। एनपीएसएच को मैं भाई यहां पे नहीं बताऊंगा बच्चों, एनपीएसएच को अलग से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपने भी देखा था पिछली बार एनपीएसएच का एक लेक्चर लिया था, जबकि उस टाइम पे तो मतलब वो 1.5-2 साल पहले की बात है, तब तो मैंने बहुत छोटी सी बात की थी, और लेकिन वही वीडियो इतना वायरल हो गया था कि 3-3.5 लाख व्यू थे जब मैंने लास्ट डिलीट मारा उस वीडियो को, ठीक है ना, तो बड़ा दुख था मुझे भी उस चीज का, लेकिन कोई दुख नहीं है।
तो इसलिए मैं चाहता हूँ एनपीएसएच में कल जब लूँ तो थोड़ा सा एक हेड इस तरह से लूँ कि हेडिंग ही एनपीएसएच डाल के ले लूँ, ताकि कुछ चीज़ें बताने में भी आसान रहे और थोड़ा सा देखने वाले को भी आसानी हो जाए, क्योंकि इस पूरे रिविज़न में एनपीएसएच कहाँ रहेगा किसी को नहीं पता, तो थोड़ा सा मैं उसको अलग रखना चाहता हूँ। क्लियर है? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा देखना पसंद करते हैं लोग, ना किसी के समझ में आता है क्या है, तो थोड़ा सा एनालिसिस के साथ अलग रखेंगे उसे। नाउ अब यहाँ पे कुछ रिलेशंस आप लिख लीजिए, एच अपॉन, ठीक है, दैट इज डी स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है ना, डी स्क्वायर एन स्क्वायर एक रिलेशन ये रहेगा, तो वही है मॉडल के लगाओ प्रोटोटाइप के लिए, ठीक है ना, ऐसा मॉडल और सेम विद प्रोटोटाइप ऐसा आप लिख लोगे, तो एक रिलेशन ये है, ठीक है, और ये ऐसे याद नहीं होंगे, बस वो यूज पे है, जितना ज्यादा क्यू का एक रिलेशन है डी क्यूब एन, डी क्यूब एन सेम विद मॉडल एंड प्रोटोटाइप, ठीक है, एक रिलेशन आप पावर के साथ यूज करिए, पावर अपॉन डी की पावर 5 एन क्यूब फॉर मॉडल, कैसे ये निकल के आते हैं मैंने आपको टर्बाइन में ही बताया था, वही सेम चीज है, पावर अपॉन प्रोटोटाइप, ठीक है ना, तो मॉडल प्रोटोटाइप के, तो ये कुछ रिलेशन आपको रखना है, और चौथा रिलेशन वही है स्पेसिफिक स्पीड, कि कहीं पर भी आपको रिलेशन पता हो मॉडल और प्रोटोटाइप में आप स्पेसिफिक स्पीड को कांस्टेंट रख सकते हैं, तो सेम विद यहाँ पे भी सेम वही चीजें हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है ना। इस बार बच्चों मैं YouTube में एक चीज को लेकर चल रहा हूँ कि रेगुलर लेक्चर रिवीजन, इसकी इंपॉर्टेंस तो देखो वही समझेगा जो इसे पढ़ रहा होगा, बट इसमें से जो बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट है, जैसे डाउट्स, ठीक है ना, स्पेशल लेक्चर्स, तो ये सब इसीलिए मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि अच्छा कंटेंट इनसे फिल्टर होकर अलग दिखे, ठीक है ना। भाई YouTube में और कोई ग्रोथ नहीं है बच्चों, YouTube में जस्ट एक ही ग्रोथ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सकते हो यहाँ से, बाकी कोई ग्रोथ नहीं है। बाकी जिसको लगता है कि YouTube से पैसा आता है, ये सब दो चीज़ों से आ सकता है पैसा, मैं बता देता हूँ, कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि YouTube से तो सर बढ़िया हो जाता है, YouTube से दो ही चीज़ से पैसा आता है, एक या तो आप 24 घंटे के लाइव सेशन लेते हो, मतलब वही 12-12, 18-18 घंटे लाइव सेशन चलते हो आपके, वो हमारा तो क्या है 4-5 घंटे चलता है, ठीक है ना, या फिर आपका ये हो कि एंटरटेनिंग जो है आपकी वीडियोस हो जो वर्ल्ड वाइड लाखों करोड़ों में देखी जाती हो, मतलब जो प्योर एंटरटेनमेंट हो, तो ऑन दैट केस जो है वो चीज़ें जो है वो फ्रूटफुल होती हैं। बाकी केसेस में तो सिर्फ यही है कि आप जितने, जैसे हम जैसा चल रहा है ना, हम जैसे पे तो सिर्फ यही है कि आप जितना कंटेंट अच्छे तक पहुंचाओ लोगों तक, तो वो लोग उसका क्या यूज करेंगे आगे अपनी लाइफ में, बस दैट इज द ओनली बेनिफिट, ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं आपके साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हर चीज की रख के चलता हूं, तो पिछले 6 महीने में यूट्यूब ने 7-8 हजार रुपए भेजे हैं, कल पिछले 6 महीने के 8 हजार रुपए बट चलो कुछ तो है, मार्कर तो आई जाते हैं ना, मार्कर वार्कर का खर्चा तो निकल जाता है 6 महीने का, यही मान के चलते हैं, ठीक है। नाउ देखो ध्यान से समझिए, क्या बोल रहा था मैं, क्या बताना चाह रहा था मैं, हाँ, पंप नेटवर्किंग, पंप को हम लोग कनेक्ट कैसे करते हैं, तो देखिए हमारे पास दो टारगेट होते हैं, ठीक है, दो टारगेट होते हैं, एक टारगेट हमारा होता है, दूसरा टारगेट हमारा ये होता है। तो पहला टारगेट हमारा जो होता है पंप नेटवर्किंग का, वो होता है हमारा दैट इज आपका हेड, और एक टारगेट होता है डिस्चार्ज, ठीक है ना। हेड की नीड होती है जैसे वाटर सप्लाई में, वाटर सप्लाई इन बिल्डिंग्स, एग्जाम्पल की बात करें कि बिल्डिंग्स में अगर हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं तो हेड की बहुत ज्यादा नीड होती है, लेकिन अगर डिस्चार्ज की बात करें तो जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पर्पस की बात करें तो वहां पे डिस्चार्ज इंपॉर्टेंट होता है, हेड नहीं। तो यहां पे एग्रीकल्चर के केस में हमें डिस्चार्ज ज्यादा चाहिए होता है, हेड कॉन्स्टेंट चलता है, भाई आपको पानी जो है उसका डिस्चार्ज ज्यादा चाहिए, हेड कॉन्स्टेंट चल सकता है। सेम हेड वाटर सप्लाई जब आप कर रहे हो तो हेड आपको कंटिन्यूस बढ़ाना है, लेकिन डिस्चार्ज कांस्टेंट रह सकता है, ठीक है ना। तो यहीं से अब आप समझ लीजिए, यहीं से आप समझ लीजिए, क्लियर है।
नहीं, मेंबरशिप बच्चों मैंने आपको मना किया, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मेंबरशिप अब कोई मत लीजिएगा। मैंने मेंबरशिप का अभी तक बटन वहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन मत ज्वाइन करो, ठीक है? क्योंकि मेंबरशिप को मैं बस डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन वो कंटिन्यू भी सिर्फ क्योंकि उसका उतना बेनिफिट नहीं है, ठीक है ना? ना ऐसा कि चलो कोई मॉनेटरी टर्म्स में बेनिफिट हो कि मैं कहूँ कि मुझे भी फायदा हो जाएगा और आप लोगों के लिए जो इजी हो जाएगा कुछ चीजें, तो नहीं। जब हमारा वेब पोर्टल है तो हम स्पेशल क्लासेस वगैरह सब वहां के माध्यम से कर लेंगे। यहाँ 100-100 रुपये महीना देंगे और वो 1200 रुपये महीने में, 1200 रुपये में तो आप क्या क्या कोर्स ले लो। तो उससे अच्छा है कि 1200 रुपये से अच्छा मैंने जैसे 150 रुपये करा हुआ है स्पेशल लेक्चर्स का, तो वो 150 तो लाइफ टाइम हो गया उसका अच्छा अमाउंट। तो ज़्यादा बेटर वो है ना कि 150 रुपये एक टाइम देना है बजाय कि 100-100 रुपये हर महीने देना है, ठीक है? उसमें से भी ना आपको मिल रहा है वो पैसा ज़्यादा, ना मेरे को मिल रहा है, तो उसका कोई इतना बेनिफिट नहीं देखा मैंने, तो इसलिए मैं उसे डिसेबल कर रहा हूँ। क्योंकि उसमें फिर वही है कि कभी स्पेशल लेक्चर्स कोई देना भी हो तो वो सिर्फ मेंबर्स के लिए है, किसी और के लिए नहीं। मीन्स अगर आप एक भी जना ऐड करना चाहते हो उसमें तो कोई ऐड नहीं हो सकता, तो ये थोड़ा सा पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। चलिए, तो इसलिए अब कोई मेंबरशिप मत लीजिएगा। जितनों ने ले रखी है उनको मैं बेनिफिट पूरा दूंगा जब तक चल रहा है पूरा महीना, लेकिन अगले महीने वो डिसकंटिन्यू ना करें। मतलब जिस दिन पर उन्होंने पेमेंट करी है मेंबरशिप की, उससे पहले उसे डिसेबल कर लें, ठीक है ना? तो भी जो भी बेनिफिट होगा उसको मिल जाएगा, ठीक है? तो देखो, वाटर सप्लाई में हमारा हेड इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला कि बिल्डिंग्स में जो है वो सबके नल से पानी डिस्चार्ज बराबर होना चाहिए, लेकिन सबके नल से होना चाहिए ना, तो हेड इंपॉर्टेंट है, लेकिन नहीं। तो इसलिए सिंपल याद रखिएगा, जब पंप इन सीरीज लगाए जाते हैं तो पंप जो है वो एक के बाद एक जोड़ा जाता है, एक के बाद एक जोड़ा जाएगा, तो वहां पर कंटिन्यूस क्या है, हेड जो है हमारे वो जुड़ते रहेंगे, हेड जो है वो जुड़ते रहेंगे इस तरह से। तो मींस हेड विल एड, इक्विवेलेंट हेड जो होगा वो H1 प्लस H2 प्लस H3 ऐसे होगा, ठीक है ना? लेकिन डिस्चार्ज विल रिमेन सेम, डिस्चार्ज जो है वो सेम रहेगा, ठीक है? तो जब पंप इन पैरेलल हम लोग बोलते हैं, तो पंप इन पैरेलल मतलब हो जाता है कि कोई लेवल है उसमें ये पंप लगा है, एक दूसरा पंप लगा है, तीसरा पंप लगा है, तीनों आपस में पैरेलल लगे हैं और तीनों का डिस्चार्ज जो है वो आपस में मिल रहा है। तो जो फाइनल डिस्चार्ज निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो फाइनल डिस्चार्ज निकलेगा तो वो डिस्चार्ज जो होगा वो तीनों का एडिशन होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, है ना? तो डिस्चार्ज विल एड, लेकिन हेड जो है वो सबका कॉन्स्टेंट है, बराबर हेड सबका बराबर है, तो हेड जो है वो इक्वल रहता है, ठीक है ना? तो ये भी याद रखिएगा पंप इन सीरीज और पंप इन पैरेलल के केस में, कि हेड विल रिमेन सेम और डिस्चार्ज विल रिमेन सेम, किस किस में क्या होता है। श्रेयस NITB, क्यों अपना नाम खराब कर रहे हो श्रेयस? नाम कितना अच्छा है श्रेयस, बड़ा अच्छा लगता है SH से जो नाम शुरू होते हैं। क्लियर? समझ आ गया बात? सीरीज एंड पैरेलल, पंप इन सीरीज, पंप इन पैरेलल, दैट्स इट, वेरी गुड। चलिए, नाउ ये भी क्लियर हो गया। अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चों, एक ग्राफ बड़ा फेमस है जो आपको सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है, तो कहीं पर भी ये ग्राफ आपको देखने को मिलेगा तो यू विल आंसर इट, ठीक है? बहुत ज्यादा ये देखने को गया और पूछा भी गया है, ठीक है? जैसे कि मैनोमेट्रिक हेड और आपका डिस्चार्ज के ऊपर, तो इसमें दो टाइप के ग्राफ आते हैं आपके, दोनों में बना देता हूं आपके साथ, दोनों याद रखिएगा, मैनोमेट्रिक हेड और डिस्चार्ज के ऊपर। अब दोनों ग्राफ में सिर्फ चीज क्या लेनी है, एक तरफ मैं लॉसेस को कंसिडर करके चलूंगा और एक तरफ लॉसेस को कंसिडर नहीं करूंगा। तो मैं पहले बोल रहा हूं कंसिडरिंग लॉसेस, लॉस को कंसिडर करके चलें, ठीक है? तो फर्क क्या आता है, जब मैं लॉस को कंसिडर करके चलता हूं तो आपको पता है HF क्या होता है,
एफ एल क्यू स्क्वायर 12d5, एफ एल क्यू स्क्वायर 12d5, तो क्यू स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाता है, तो यहां पे कर्व आने चाहिए आपके पास। ठीक है, सबसे आसान है याद रखने तरीका, ठीक है ना। लॉस को कंसिडर करोगे तो एफ एल क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, तो यहां पे आपको कर्व आने चाहिए। और जब विदाउट कंसिडरिंग लॉसेस, विदाउट लॉस जब बात करूंगा तो फिर वो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये एक सिंपल सा फर्क है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, समझ आगे बात। तो यहां पे देखिए, अब हम सेंट्रिफ्यूगल पंप की बात कर रहे हैं विद लॉसेस। विद लॉसेस तो मतलब कर्व आएगा, कर्व आएगा तो उसमें तीन कर्व आपको ध्यान रखना है। एक स्ट्रेट लाइन है, एक तो स्ट्रेट लाइन है, क्यों स्ट्रेट लाइन पर चलाएगा, एक ऐसे कर्व होगा और एक ऐसे कर्व होगा। अब आपको सिर्फ यहां पे ब्लेड्स पूछेगा कि यहां से यहां तक जो ब्लेड है वो किस तरह है, तो याद रखिएगा इस ऑर्डर में, इस ऑर्डर में याद रखिएगा ब्लेड जो है वो इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब फाई लेस देन 90, याद रखने तरीका आसान है। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब फाई लेस देन 90, फाई 90 से कम, फाई 90 के इक्वल और फाई ग्रेटर देन 90, दैट विल बी दी परफॉर्मेंस। तो बढ़ते हुए 90 की तरफ आप बनाएंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं, ठीक है ना, आपको कभी भूलेगा नहीं, सिंपल। तो ये है क्यू और ये है आपका एच एम। तो फाई तो बस ऑब्वियस ही बात है, दैट इज बैकवर्ड ब्लेड, रेडियल वेन एंड फॉरवर्ड वेन, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, रेडियल, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है, समझ आ गया बात। तो ये फाई जो है इस तरह से आप याद रखें। नाउ इधर सेम, अब यहां पे क्या है, यहां पे आपको स्ट्रेट लाइन लेके चलना है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन ऐसे लेके चलना है। तो बस केस वही रहेगा, कोई चेंज नहीं है, केस वही रहेगा, मतलब बढ़ते हुए फाई की तरफ, फाई ग्रेटर देन 90, इक्वल टू 90 एंड लेस देन 90, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो अब याद रखिएगा दोनों डायग्राम में आपको कोई भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, कोई भी डायग्राम आपको देखने को मिल सकता है पेपर में। तो मैंने याद रखने का तरीका बता दिया, एक फाइव बढ़ते क्रम में ही बनाना है, तो दैट इज इजी, इट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। एंड दूसरा कि इफ इट इज कंसिडरिंग लॉसेज देन इट फॉर्म्स अ कर्व ड्यू टू पैराबोलिक इक्वेशन, एंड व्हेन इट इज विदाउट लॉस देन इट फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन। तो बस इस तरह से आप आराम से याद रख सकते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट दिस, क्लियर है, इतना बात भी समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये बेसिक बेसिक बातें बच्चों ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद जो है वो सीधा सीधा सेंट्रिफ्यूगल पंप में आ जाता है आपका एनपीएसएच, सक्शन वगैरह इनको लेके, ठीक है। इसके बाद सीधा सीधा टर्म आ जाता है सक्शन हेड वगैरह का टर्म, और वहां पे सेंट्रिफ्यूगल पंप जो है कंप्लीट हो जाता है, क्लियर है, ठीक। तो आज का सेशन जो है पूरा 9 बजे तक नहीं ले रहा हूं मैं, सिर्फ यहां तक रह रहा हूं, उसकी एक वजह भी है। वजह यह है कि मैंने अभी तक आपका टेस्ट पेपर नहीं बनाया है एफएम का, तो थोड़ा थोड़ा अभी बनाना शुरू करूंगा, 100 क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा आज कल परसों 3 दिन में बनाऊंगा, तब जाके फ्राइडे को जो है टेस्ट प्रॉपर हो पाएगा। मतलब हमने सैटरडे के दिन रखा हुआ है टेस्ट, आज है वेनसडे, है ना, हाँ, तो तब तक टेस्ट आपका फ्राइडे तक तभी प्रॉपर हो पाएगा जब आज और कल मैं पूरा करूंगा। तो वो प्रॉपर क्वेश्चन बनाने जरूरी हैं, तो थोड़ा सा टाइम उसके लिए जरूरी है, क्योंकि वैसे ही आज 4 बजे जो है स्पेशल क्लास है। तो प्लीज बच्चों आज 4 बजे स्पेशल क्लास है, ठीक है, नोटिफिकेशन अभी डल जाएगा। आपका काम सिर्फ इतना है, इफ यू लाइक दिस सेशन, आप इस तरह के सेशन लाइक करते हैं तो स्पेशल क्लासेस में मैं आपको कुछ तोड़ कंसेप्ट बताऊंगा चीजों के, जिनसे आपको मतलब वो ऐसे कंसेप्ट होने चाहिए जो आपको बुक से भी सॉल्व नहीं होते। मतलब मुझे भी पता है कि मुझे अपने टाइम में बहुत ढूंढ ढूंढ के समझ में आई चीजें और बहुत लेट समझ में आई, ठीक है ना, हो सकता है काफी बच्चों को चीजें पता हो, अच्छी बात है, लेकिन आपका काम सिर्फ है, टेस्ट ऑनलाइन ही होगा। बच्चों ऑफलाइन कैसे दोगे टेस्ट, बताओ, क्या बात करते हो यार। तो यहां पे सिंपल सी बात यह है कि अभी मैं नोटिफिकेशन डालूंगा तो प्लीज वो सेशन पहली और आखिरी बार स्पेशल क्लास का सेशन सबके लिए फ्री है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूं कि वो एक ही बार फ्री रख रहा हूं मैं सेशन, तो प्लीज उसमें सब लोग आइएगा 4 बजे, और जैसे ही नोटिफिकेशन डालता है तो जितना उसको नोटिफिकेशन को शेयर कर सकते हैं, लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं, अपने मैकेनिकल ग्रुप्स में सब जगह इन्फॉर्म कर दीजिएगा, जो 4 बजे मैक्सिमम लोग इकट्ठे हों
तभी मैं प्रॉपर कंसेप्ट बहुत बढ़िया से बताऊंगा। और अगर सब कुछ बहुत अच्छा रहा, ठीक है ना, 100 क्वेश्चन बच्चों कितने घंटे का टेस्ट, वो सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर सब कुछ बहुत अच्छा रहा तो फिर उसके हिसाब से जो है वो आगे भी आपको उस तरह के मौके मिलेंगे। क्लियर है? अरे भैया सब दे सकते हैं टेस्ट, टेस्ट की बात अभी ना करें, टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको कल टेस्ट से पहले मिल जाएगी, तब तक बोला है बस एफएम को रिवाइज करें, ठीक है। टेस्ट वैसे तो मैंने फ्राइडे रखा हुआ है, लेकिन अभी देखते हैं सैटरडे संडे अगर छुट्टी का मामला है कि भैया सब चाहेंगे कि सैटरडे संडे को हो तो उसके हिसाब से देखेंगे, बट अभी फिलहाल फ्राइडे रखा हुआ है। कितना फी होगा सर टेस्ट का? अरे फ्री टेस्ट है, सबके लिए टेस्ट है। यूट्यूब में कैसे दोगे टेस्ट यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, कैसे दोगे यूट्यूब में टेस्ट। चलो थैंक यू वेरी मच गाइस, कल मिलते हैं सेम टाइम पे, जहां पे हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इसके कंसेप्ट भी और साथ साथ रेसिप्रोकेटिंग पंप वगैरह के बारे में आपको बताऊंगा। इसमें सिर्फ अब वही रह रखा है बच्चों हमारा, दैट इज सक्शन हेड की कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए उसके बाद रेसिप्रोकेटिंग पंप भी बताया जाएगा, कल रेसिप्रोकेटिंग पंप भी बताऊंगा बल्कि, ठीक है ना। चलिए थैंक यू वेरी मच। आपका नाम क्या है सर? अगर इतनी मेहनत के बाद भी मुझे ही बताना पड़े अपना नाम तो बात ही क्या है, क्यों। चलिए मजाक कर रहा हूं। चलिए थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं दिन में 1 बजे, उसके बाद 4 बजे वाले सेशन पे।